ब्रह्मा बाबा के नाम से जाने पहचानने वाले दादा लेखराज कौन थे गाइज, आज मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ और शिव बाबा ने इनको ही क्यों चुना सबका माध्यम बनाने के लिए। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर के रहने वाले एक सुप्रसिद्ध व्यापारी थे जो हीरो का व्यापार करते थे। उनका नाम दादा लेखराज था। सन 1936 में उन्होंने अपनी 18 लाख की संपत्ति को प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय के नाम दान कर दिया था और पूरी तरह से संस्था को समर्पित भी हो गए थे। तो गाइज अब बात करते हैं शिव बाबा ने उनको ही ऐसा बड़ा मौका क्यों दिया और उनके ही शरीर में उन्होंने कैसे प्रवेश किया। तो सुनिए गाइज, जब परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया, जब उनके घर में एक सत्संग सा चल रहा था, तभी वे सत्संग से उठकर एकदम से अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर बेड के ऊपर आलथी पाथी मारकर बैठ जाते हैं। जब उनकी बहू उनको कुछ अलग सा लगा और उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। जब उनकी डॉटर इन लॉ को यह पता चला कि वह कमरे में चली गई हैं, तो वह उनके पीछे पीछे गई और उन्होंने ही सबसे पहला दृश्य देखा था। जब बाबा की आंखें लाल लाल हो गई थी, फिर एकदम से उनकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई थी और वह बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे। उनका पूरा कमरा पूरी लाल रोशनी से चमकदार हरा भरा हो गया था। फिर उनके मुंह से एकदम से बहुत ही सुंदर वाणी बोली गई थी और वो कुछ शब्द थे गाइज, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये शब्द सुनने के बाद उनके डॉटर इन लॉ को पूरा विश्वास हो गया था कि ये आवाज़ उनके फादर इन लॉ की हो ही नहीं सकती और फिर वो पुकार धीरे धीरे गायब होती ही चली गई और गाइज कई देर तक वह नॉर्मल भी नहीं हो पाए और गाइज फिर वो खुद से कहने लगे कि कौन था, लाइट थी, माइट थी। इस तरह से वह खुद से बातें करने लगे और वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाए, मतलब 2-3 घंटे तक वह नॉर्मल नहीं हो पाए थे। इस तरह से कि एक परम शक्ति ने उनको ओवर पावर किया है और फिर बहुत सी संख्या में लोग उनके सत्संग में आने लगे और साक्षात्कार करने लगे। तो गाइज शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसे चुना था और अगर आपको पूरी सच्चाई और जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ क्लिक करिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ओम शांति।